आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। राम राज की बात चल रही है, कल से आरंभ हुई है और तुलसीदास जी ने राम राज की जो व्याख्या की है, जो देखा तुलसीदास जी ने राम राज, उस राम राज का जो वर्णन किया, उस वर्णन को सुनने के बाद तो यही मन कहता है कि बस राम राज ही रहे, सर्वत्र इस वसुधा पर राम राज रहे। और राम राज की जो सबसे बड़ी विशेषता रहे कि जिसे एक मंत्र के द्वारा भी कहा जा सकता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये मंत्र राम राज का निचोड़ है, सार है। सभी सुखी हैं, सभी निरोग हैं, सबकी सुंदर काया है, किसी को किसी भी प्रकार का कोई दुख ही नहीं है, ऐसा है राम राज। अब उस राम राज में जो लोग रहते हैं, जो प्रजा है राम की, प्रजा कैसी है, इस पर भी कल तुलसीदास जी ने बहुत प्रकाश डाला। एक आध पंक्ति रह गई है प्रकाश डालने की, तो वो अब डल जाती है। देखिए, सब उदार कैसे हैं, सारे उदार। उदार को समझ लीजिए खुले दिल वाले, किसी का संकुचित और संकीर्ण हृदय नहीं है, सब खुले दिल के लोग हैं, दयालु हैं, सब पर उपकारी। और उदार हैं तभी तो उपकारी हैं, सभी पर उपकार करने वाले प्रजाजन हैं। कोई किसी का अपकार करता ही नहीं, अपकार माने बुरा, उपकार का विलोम शब्द, कोई किसी का बुरा नहीं करता, सब उपकारी हैं, एक दूसरे का भला। सोचिए कैसी दुनिया होगी, वो कैसी दुनिया होगी, हम सोच भी नहीं सकते कि वो कैसी दुनिया होगी, क्योंकि जिस दुनिया में हम रहते हैं, उस दुनिया में तो सिर्फ एक ही चीज़ प्रचलन में है, एक ही चीज़ कि किस प्रकार से किसका कितना बुरा किया जाए, जिसका हमारा ऐसे कोई लेना देना भी ना हो। एक व्यक्ति उन्नति कर रहा है, प्रगति कर रहा है, किसी को कुछ नहीं कह रहा, लेकिन उसके निकटवर्ती लोग उससे भी जल जल मरते हैं, उसकी प्रगति से, उसकी उन्नति से, उसकी खुशहाली उनसे देखी नहीं जाती। तो इतना डहा, इतनी ईर्ष्या, इतना वैमनस्य, इतना बैर और इतना विष संचित है इस कलयुग के मानव के भीतर, तब नहीं था। राम राज का यही तो बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे नर नारी हो, बच्चा हो, कोई भी हो, किसी के मन में किसी भी प्रकार का किसी के लिए कोई विद्वेष भाव नहीं था, सब उपकारी थे। विप्र चरण सेवक नर नारी, और सारे नर नारी कैसे थे, ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करने वाले। अब ब्राह्मणों के चरणों की भी ये समझ लीजिए बात, उन लोगों के सम्मुख सदा नतमस्तक रहते थे, उनके श्री चरणों में सदा अपना माथा टिकाए रहते थे, जो ब्रह्म में लीन रहते थे, ब्रह्म के साथ रमण करते थे, हर समय बैठे हैं ब्रह्म के अंदर ध्यान में प्रभु के, अर्थात साधु सन्यासी इत्यादि वे जन जो ब्रह्म में रमण करते हैं ब्राह्मण, उन सभी ब्राह्मणों के सम्मुख पूरी प्रजा नतमस्तक रहती थी, उनके चरणों की सेवा करती थी। कैसे सौभाग्यशाली लोग रहे होंगे ना, कितना एक दिव्य और सुंदर स्वप्न है ये रामराज, जिसे सिर्फ हम कल्पना में ही जी सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, सिर्फ कल्पना करके। अभी तो अभी जो ये काल्पनिक सुख हम ले रहे हैं, ये काल्पनिक सुख कहीं ना कहीं हजारों वर्ष पहले साकार रूप में था, हजारों वर्ष पहले, और आज हम उसी काल में, उसी युग में, उस खंड के अंदर इस समय उसको अनुभव कर रहे हैं। यह मत समझिए कि कुछ घट नहीं रहा, बिल्कुल घट रहा है। ये जो भीतर का जो कनेक्टिविटी है, जो संपर्क है, वह उस युग के साथ सधा हुआ है। इस समय तरंगे आपके हृदय की उस युग में जाकर घूम रही हैं, सोच रही हैं, देख रही हैं,
अनुभव कर रहे हैं। यह बात अलग है कि उसका कोई भौतिक प्रमाण हो नहीं सकता, या हमारे पास विज्ञान के अभी ऐसे उन्नत साधन उपलब्ध नहीं हुए हैं जो इस समय हम उस प्राचीन कालखंड में जाकर अनुभव कर रहे हैं उसको यहाँ प्रमाणित किया जा सके। इतना सुंदर परिवेश रामराज का, एक नारी व्रत रत सब झारी, और जितने भी पुरुष हैं वे सब एक पत्नी व्रतधारी हैं। अब यहाँ से समझने वाली बात शुरू होती है। एक पत्नी व्रतधारी है, उस युग में उस काल में जरा आइए टहलने तो सही, चल के टहलते हैं। उस समय उसको शान से देखा जाता था, उस व्यक्ति को अर्थात उस राजा को जिसके पास बहुत सारी रानियां होती थी, कि ये राजा कितनी रानी है भाई इसके पास, अरे इसके पास तो भाई 100 रानियां हैं, इसके पास 50, इसके पास 30। तो जिसके पास 100 रानियां हैं ये माना जाता था कि ये बड़ा शक्तिशाली राजा है। क्यों है? क्योंकि जितनी अधिक पत्नियां थी उस समय राजा की, इसका मतलब था अब राजा यदि किसी से विवाह करेगा तो राजकुमारी से ही तो करेगा ना, किसी दूसरे राजा की पुत्री से करेगा, या फिर किसी बहुत धनी व्यक्ति से करेगा, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति से करेगा, किसी बहुत बड़े संगठन के मुखिया की बेटी से करेगा। तो ये राजनीतिक विवाह होते थे, तो राजा अनेक पत्नियां रखता था, यानी जिस राज्य के साथ उसका विवाह हुआ वो तो उसका मित्र हो गया ना, शत्रु नहीं रहा, क्योंकि वो उसका दामाद बन गया। अब अपने दामाद को कौन मारेगा जाकर? तो ये सैन्य शक्ति बढ़ाने के एक माध्यम थे उस समय, उस युग में। राजा दशरथ की भी अनेक रानियां थी, 3 तो आप प्रमुख सुनते हैं, उसके बाद बहुत सारी थी और उनका उल्लेख है, अनेक थी। राम ने यह सब बहुत निकटता से देखा, बहुत निकटता से। राम जब बालक थे तब से ही देखते आते थे, तो उन्होंने ये देखा कि नहीं, पति का प्यार अनेक स्त्रियों के भीतर नहीं बटना चाहिए। यदि उसकी अनेक पत्नियां हैं तो निश्चित रूप से ईर्ष्या, द्वेष और कलह के कारण परिवेश दूषित होगा, और ये स्वाभाविक है, क्योंकि प्रत्येक पत्नी यह चाहेगी कि जो पति है वह उसी का होकर रहे, अन्य पत्नियों को ना देखे, और अन्य पत्नियां भी ये चाहेंगी। तो ये एक ऐसी रस्सा खींच चलती है बड़ी भयंकर, जिसमें बड़ी बड़ी साजिशें होती हैं, षड्यंत्र रचे जाते हैं, कुचक्र चले जाते हैं। राम नहीं चाहते थे यह सब हो, राम एकनिष्ठ रहना चाहते थे, और उन्होंने एक पत्नी का व्रत लिया। सीता जी जिस समय अपने पिता के पास थी, विवाह की तैयारियां चल रही थी, विवाह हुआ नहीं था, तैयारियां मतलब यही कि धनुष भंग कौन करेगा, तब वे अपने पिता से बात करती थी अक्सर, जनक से, अपनी सहेलियों से भी बात करती थी। तो सीता जी कहती थी कि मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए जिसकी अनेक पत्नियां हों। तब महाराज जनक भी यही कहते थे, उनकी सखी सहेलियां भी कहती थी कि ऐसा कैसे संभव है, राज समाज की तो ये परंपरा बन चुकी है अनेक पत्नियां होना, तो बहुपत्नित्व कोई दोष के रूप में नहीं देखा जा सकता था, था ही नहीं, कहीं किसी की दृष्टि नहीं जाती थी कि ये कोई दोष है, और दोष था भी नहीं, प्रचलन था अनेक पत्नियां रखने का, तो उस समय में इसको बिल्कुल भी दोषपूर्ण नहीं माना जाता था किसी भी कोण से, ना ऋषि मुनियों के खुद अनेक पत्नियां थीं, कहीं किसी प्रकार का दोष नहीं था। लेकिन राम ने एक नए युग का सूत्रपात किया जिसमें एक पत्नी व्रतधारी। तो मैं सीता जी की बात बता रहा था, सीता जी कहती कि नहीं, मुझे यह स्वीकार नहीं होगा कि मेरे पति की अन्य भी पत्नियां हों। तब सबने कहा कि यह संभव नहीं है सीते, तो माँ भवानी के आगे बैठकर चुपचाप विमौन प्रार्थना किया करती थी। राम ने इस नई क्रांति का सूत्रपात किया, इस नए युग का, राम युग पुरुष हैं, एक पूरे युग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और आप क्या समझते हैं,
आज आप हाथ जोड़े राम के आगे खड़े रहते हैं, हजारों सालों बाद भगवान राम कहा गया। लेकिन जिस समय जिस युग में जो महापुरुष होता है या अवतार होता है, उसको उस युग में तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। राम के हजार दुश्मन थे, हजार भी कम कह रहा हूँ, चारों तरफ राम के शत्रु ही शत्रु थे। वे राम को भगवान थोड़ी ना मानते थे, वे कहते राम तुम हो कौन। ऋषियों तक ने कह दिया कि राम हम तुम्हें सिर्फ राजा दशरथ का बेटा मानते हैं, क्योंकि केवल सप्त ऋषि ही कहते थे कि राम अवतार हैं। बाकी ऋषि मुनियों ने कहा नहीं, कोई अवतार वगैरह नहीं, राजा दशरथ के बेटे हैं, राजकुमार हैं। और अन्य राज समाज वो तो कोई गणना ही नहीं करता था राम और लक्ष्मण की, कहते हैं तो बच्चे हैं, छोटे छोटे दूध पीते बच्चे हैं, ये क्या है, इनकी औकात हैसियत बिसात कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। तो राम को तो ऐसे कहते थे। और राम ने जब एक पत्नी व्रत धारण किया, तब उसी क्षत्रिय समाज से इनको बहुत कुछ सुनने को मिला, बहुत कुछ। अरे हम हैं राजा तो राम रख के दिखाए ना 10 पत्नियां हैं। अरे 10 पत्नियां रखने के लिए पौरुष चाहिए, वीरता चाहिए, बल चाहिए। वे शूरवीर होते हैं जो 10-10, 20-20, 100-100 पत्नियां रखते हैं। उस युग में अनेक बातें चली इस तरह की, लेकिन राम ने किसी भी बात का कोई खंडन नहीं किया, कोई भी बात का। जैसे सीता जी के लिए एक वर्ग ये भी कहता था कि कौन इनका वरण करे, इनके तो कुल का भी नहीं पता। ये सारी चीज़ों को अगर सूक्ष्म रूप में जानना है, जो मैं अक्सर कहता हूँ, ये सारी बातें जो रघुवंश नाथम आध्यात्मिक उपन्यास माला है, उसमें हनुमान जी ने एक एक बात को बड़ा स्पष्ट किया है। तो राम ने ये जो क्रांतिकारी का, जब भी कोई क्रांति होती है बड़ा विस्फोट होता है, और उस समय भी हुआ। और राम के जो अन्य भाई हैं, उन्होंने भी राम का अनुकरण किया। उन्होंने कहा नहीं, राम ने उन सबको स्वतंत्रता दे दी। महाभारत के काल में देखें तो सभी की अनेक पत्नियां हैं, द्रौपदी की अतिरिक्त भी पत्नियां हैं, लेकिन राम के भाइयों ने कहा कि नहीं, हम तो जैसा आप करेंगे हम वैसा ही करेंगे। राम ने किसी पर बंधन नहीं रखा। और सारा संसार उस समय का बाद में ये देखकर आश्चर्यचकित था, खुद अयोध्या ने देखा कि राम वास्तव में अपनी पत्नी से कितना प्रेम करते हैं, कि लंका का राजा रावण यदि उनको उठा कर ले गया है, उनका हरण करके ले गया है, तो ये नहीं कि ले गया तो अब मैं क्यों लेकर आऊं। उस समय के अन्य अनेक राजा थे, यदि राक्षस किसी की स्त्री उठाकर ले जाते थे तो वो कहते थे ले गया तो ले गया, अब दोबारा हम नहीं लाएंगे। लेकिन राम जैसा पत्नी का अनन्य प्रेमी इस जगत में है ही नहीं, जिसके पास देखने की दृष्टि है। कल कह रहे थे ना तुलसीदास जी, जो दृष्टा हैं वही इस तत्व को, इस मर्म को, इस सत्व को जान सकते हैं कि राम सीता से कितना अनन्य प्रेम करते थे, सिर्फ यही जान सकते हैं। और सीता भी राम से वैसा ही अनन्य प्रेम करती थी, बिल्कुल वैसा। जब अशोक वाटिका में हनुमान जी सीता जी से मिलते हैं, और सीता जी अपनी सारी बात कहने के बाद हनुमान से पूछती हैं, हनुमान कहो कुछ कहो, तो हनुमान जी कहते हैं कि निश्चित रूप से मैंने देखा कि आप राम से बहुत प्रेम करती हैं, बहुत, किंतु मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है कि जितना आप राम से प्रेम करती हैं उससे अनंत गुणा प्रेम राम आपसे करते हैं, अनंत गुणा प्रेम।
जब सीता जी कहती है हनुमान कभी राम मुझे याद भी करते हैं, मेरे प्रियतम याद करते हैं, स्मरण करते हैं मेरा, तब हनुमान जी कहते हैं कि मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन आपसे अनंत गुणा प्रेम आपको राम करते हैं। जितना आप भी राम को नहीं करती होंगी, उससे अनंत गुना राम आपको करते हैं। तो ये बात, ये भाव जन सामान्य समझ नहीं सकता, क्योंकि समझने के लिए राम के अलौकिक और दिव्य गुणों को समझने के लिए कुछ तो चेतना का विकास होना चाहिए ना। हमारी वह चेतना जिसे हम घसीट घसीट कर रोज दलदल में, कीचड़ में, पाप में, द्वेष में, अहंकार में, घृणा में, इसमें गिराए रहते हैं, लथपथ किए रहते हैं, ऐसी वह कीचड़ से, दुर्गंधपूर्ण कीचड़ से सनी हुई चेतना कैसे राम के दिव्य गुणों की सुगंध को अनुभव करेगी? नहीं कर सकती। तो उसके लिए तो पहले अपने चैतन्य का विकास करना होगा, स्वयं को चिन्मय रूप करना होगा, तब राम को समझ पाएंगे। इसलिए जब भी कोई राम के विषय में न कहने योग्य के बात कहता है, तब मैं समझ जाता हूं कि इसका कोई दोष नहीं। जो अभी तक दुर्गंधपूर्ण कीचड़ को ही अनुभव कर रहा है, वह भला सहस्त्र दल कमल की सुगंध को कैसे पा पाएगा? नहीं संभव। ते मन बचन क्रमपति हितकारे, और अयोध्या की जो पत्नियां थी, जो स्त्रियां थी, वे भी मनसा वाचा कर्मणा अपने पति की सेवा करती थी। पति एक पत्नी व्रतधारी थे और पत्नियां भी उनकी पूर्ण रूपेण सेवा किया करती थी। राम राजा हैं तो राजा की राजनीति भी होती है, और राजनीति में चार चीज़ें प्रमुख होती हैं राज चलाने के लिए, साम दान दंड भेद। क्योंकि राजनीति में होता है किसी प्रकार से संतुलन बनाना होता है, शत्रुओं में, मित्रों में, व्यापारियों में, सभी में एक संतुलन चाहिए होता है, तभी तो राज्य चलता है। देश बिना संतुलन के नहीं चल सकता, तो उसके लिए इन सब नीतियों की आवश्यकता होती है। राम राजा हैं, राजा होने के कारण उनके पास भी ये नीतियों की बिल्कुल भी आवश्यकता है, चाहिए ही चाहिए। लेकिन किसी दूसरे रूप में राम के पास वे नीतियाँ हैं। उनका रूप क्या है यहाँ देखिए, कोई सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता कि ये जो चारों चीज़ें हैं, साम दाम दंड भेद, इनको इस रूप में भी देखा जा सकता है। दंड को लेते हैं पहले, राजा के हाथ में प्रतीक रूप में एक दंड होता है, दंड माने डंडा, बहुत सुंदर डंडा होता है। और वो डंडा किस लिए होता है? वो दुष्टों और पापियों को डराने के लिए कि देखो राजा के पास दंड का विधान है, कुछ गड़बड़ मत करना, ये डंडा देख रहे हो ना, ये चौकीदार और ये सब लोग देखते हैं, डंडा लिए चलते हैं। क्यों चलते हैं? दिखाने के लिए कि अवसर पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो कहते हैं कि राम के राज में डंडा केवल सन्यासियों के हाथ में ही था, साधु सन्यासी डंडा लेकर चलते हैं अक्सर सहारे के लिए, या कोई जानवर इत्यादि आ जाए तो उसको दूर से ही हड़काने के लिए, क्योंकि साधुओं को देखकर कुत्ते इत्यादि जो होते हैं वो ज़्यादा पीछे पड़ जाते हैं। और साधु वनों में से भी निकलते थे तो कोई भी रास्ते में कोई सांप पड़ा है जैसे, उसको एक तरफ हटाना है, या कोई अन्य हिंसक पशु आ जाए तो डंडे से उसको डरा दिया, बस डराने के लिए। तो कहते हैं राम के राज में जो डंडा है ना, वह सिर्फ साधु सन्यासियों के हाथ में था। क्यों भाई, राम के हाथ में क्यों नहीं था? वह इसलिए नहीं था क्योंकि कोई किसी से द्वेष भाव ही नहीं रखता था, कोई शत्रुता नहीं थी, कोई किसी का दुश्मन ही नहीं था, तो फिर दंड की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, अपराध ही नहीं हो रहे। जब सारे लोग उदार हैं, परोपकारी हैं, अपराध नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं अपराध क्या होता है, तो दंड किसे दिए जाएगा? तो फिर डंडे की आवश्यकता ही क्या? तो वो डंडा साधु सन्यासियों के काम आ रहा है और किसी के नहीं। अब कहते हैं भेद भी चाहिए होता है, फूट भेद पैदा करना, राजा कैसे राज करते हैं फूट करवा के,
भेद की नीति उत्पन्न करके, भेदभाव पैदा करके। ये राज करने की एक नीति है। अंग्रेजों ने क्या किया, फूट डालो राज करो, फूट डाली और खूब राज किया, और खूब बढ़िया ढंग से राज किया, शानो शौकत के साथ राज किया, कोई कमी नहीं रखी, पूरे ऐश्वर्य के साथ राज किया, क्योंकि वो फूट की नीति को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। लड़वाओ भारत वालों को आपस में एक दूसरे से, भाई भाई को लड़वाओ और शान से राज करो। तो ये जो राजनीति है फूट की, इसको जितना बेहतर ढंग से अंग्रेज़ों ने जाना, किसी ने नहीं जाना। फूट डाली और राज किया। लेकिन अब राम के राज में जो भेद नीति ये कैसी थी, तो कहते वहाँ जो भेद था वो जो संगीत समाज में भेद था, बस कलाकारों के अंदर क्या भेद था कि ये दूसरा राग है, ये वाला राग है, ये धुन है, ये धुन है। तो रागों की भिन्नता के कारण वो भेद था, डिफरेंसेस, भेद माने डिफरेंसेस। मन का कोई भेद नहीं था, भेदभाव का कोई भेद नहीं था, सारे भेद थे संगीत के, स्वरों के, ध्वनियों के, नृत्यों के, कि ये इस तरह का नृत्य है, ये इस तरह का नृत्य है। तो भेदभाव था, यहाँ पर कैटेगरीज हो गई भेद का मतलब, जो डिफरेंसेस था, श्रेणियाँ थी, कोटि थी। तो वो नृत्य समाज में थी सारी, संगीत समाज में, और कहीं भेदभाव नहीं था, कहीं भी नहीं था कि कोई किसी से फूट डाले, किसी की निंदा करे, किसी को कठोर शब्द कहे, ऐसा कुछ नहीं था। कोई भेद था ही नहीं, सिर्फ संगीत समाज में था। जितहु मन ही सुनिए अस रामचंद्र के राज। और जीतो जीतो जीतो, ये स्वर कहाँ दिखाई देता था, कहाँ सुनाई देता था? ये स्वर दो जगह सुनाई देते हैं, या तो जुआ घर में कि जीतो भाई जीतो, और या फिर कहा युद्ध में, लड़ाइयों में, कि आपस में एक दूसरे को मारा जा रहा है कि जीतना है हमें। लेकिन राम के राज में जो जीतो शब्द है, ये सिर्फ एक ही स्थान के लिए उपयोग में आता था, और वे था मन को जीतने के लिए। सब एक दूसरे को प्रोत्साहित करते थे, हाँ जीतो जीतो, यानी मन को जीतो, मन को जीतो। और उन्होंने जीता, मन को जीता, किसी के प्रति कोई द्वेष भाव ना रखकर मन को जीता, मन को उदार करके मन को जीता, मन से लोभ को हटाकर मन को जीता, मन से घृणा को, अहंकार को, इन सब को विदा करके मन को जीता। तो जीतो जीतो जीतो। तो अस रामचंद्र के राज, ऐसा है रामचंद्र का राज, कि रामचंद्र के राज में डंडा केवल सन्यासी धारण करते हैं, वे लिए लिए घूमते हैं साधु सन्यासी डंडा, और जो भेदभाव है वो संगीत वालों के पास है, बस म्यूजिक डिपार्टमेंट के पास, कि राग रागनियों का भेद, संगीत की धुनों का भेद। और जीतो शब्द किसी का धन जीत लो, लूट लो, ये सब नहीं, जीतो माने अपने मन को जीतो। तो ये बहुत ही दिव्य स्वप्न है रामराज का, जो इस समय हम सब देख रहे हैं और देखकर उसकी सुगंध को अनुभव कर रहे हैं और तरस रहे हैं, लालायित हो रहे हैं कि काश हम भी इस समय रामराज में हो जाएं, या रामराज ही हो जाए, और सर्वत्र सभी सुखी हों, उदार हों, निष्पाप हों, निष्कलुष हों, पवित्र हों, दिव्य हों, उदार हों। राम राम।